अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके सामने नया क्लास का मैथ एक्सरसाइज 2.6, जो कि बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, लेकर आपके साथ हाजिर है। हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, दूसरे चैप्टर की आज लास्ट एक्सरसाइज है। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, स्पेशली स्टूडेंट से, टीचर से, जो मैथ और साइंस पढ़ाते हैं 9th और 10th क्लास को, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो मुकम्मल देखें, और वीडियो मुकम्मल देखने के बाद अपनी जो राय है वो एंड पे कमेंट में ज़रूर दें। जो कमी बेशी रह जाए इसमें तो वो उसको चाहे इसको इम्प्रूव किया जा सके। चले हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.6, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें इसे बन सकता है, और स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 2 में से अगर बनना हो। एक एक्सरसाइज 2.4 जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, दूसरी एक्सरसाइज हमने करनी है आज 2.6। इसमें से जो लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इन दोनों में से ज्यादा चांसेस हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पेपर में आने के। हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, साथ साथ आप देखते जाइएगा तो आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो जो कि मरूजी का है, जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम उनसे यहां से हम दो क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सप्रेस करना है a प्लस b आयोटा की शक्ल में। a प्लस b आयोटा की शक्ल में जब हल करना है, पहला क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और एक इसका पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2 × 5 + 4 iota − 3 × 7 + 4 iota। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इसको जब सॉल्व करना है तो ये 2 जो है ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे ही ये 3 जो है ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर जो है ये मल्टीप्लाई करेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को जो है पहले 5 के साथ, 2 × 5 = 10, 2 ने 4 से भी मल्टीप्लाई होना है, 2 × 4 = 8 iota, माइनस 3 ने 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 7 = 21, ये प्लस का था 7, 3 माइनस का था, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये माइनस का 3 है, प्लस का 4 है, प्लस माइनस माइनस, 3 × 4 = 12 iota। अब करना क्या है, हमने जो कि इनको a प्लस b आयोटा की शक्ल में लिखना है, तो आयोटा के बगैर वाले अलग कर देने हैं और जो आयोटा वाले हैं उनको अलग कर देना है। आयोटा के बगैर हमारे पास 10 है और 21 है, 10 − 21 + 8 iota − 12 iota, तो हमारे पास आ जाएगा ये जो कि 21 माइनस का है, 10 प्लस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 में से 10 के 11 आ जाएगा। अब जो हमने साइन लगाना है वो बड़ी रकम का लगाना है। अब हमने हल करना है 8 iota − 12 iota, 8 प्लस का है, 12 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे, 12 में से 8 गया पीछे रह गया 4, तो हमने साइन जो है ये बड़ी रकम का लगाना है, 4 iota − 11 − 4 iota आपका आंसर आ गया है। जो इसका क्वेश्चन नंबर हमने 4 हल करना है, बाकी क्वेश्चन जो कि इसकी तरह के हैं तो आपने इसको खुद हल करना है तो ये हो जाएंगे इजीली। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये 2 iota² + 6 iota³ + 3 iota 16 − 6 iota 19 + 4 iota की पावर जो है वो है 25। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो आपने थोड़ी तवज्जो से देखना है और साथ साथ आपने स्टेप्स जो है उनको अपने माइंड में जो है वो बैठा लेना है, ताकि जो कि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए कैसे हमने करना है आपको, और फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आप हल हो जाएगा। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.5 की आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास है −1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम लगा लेते हैं −1 है, प्लस 6 आयोटा क्यूब की वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या करना है, 1 आयोटा अलग कर लेना है और आयोटा स्क्वायर अलग कर देना है। ऐसे ही 3 आयोटा 16 है, 16 की हमारे पास वैल्यू नहीं है,
हमने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो है लेकिन 2 जो है आप 8 से मल्टीप्लाई करेगा तो 16 बनेगा, 2 8 16। ऐसे ही अब 19 है, 19 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमने 6 आयोटा लगा कर दिया और जो 18 आयोटे थे वो हमने लगा कर दिए, प्लस 4 आयोटा 25 की वैल्यू नहीं है, 1 आयोटा लगा कर दें और 24 जो आयोटे हैं वो लगा कर दें। क्यों आगे ही ये 2 जो है प्लस का है, माइनस प्लस माइनस माइनस, अब ये आ गया 6 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लगा दी वो है -1। अब प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1 पावर 8 आ गई, -6 आयोटा, अब ये आयोटा 18 है हम 2 की पावर 9 कर लेंगे, ऐसे ही 4 आयोटा इसको हम करेंगे 2 की पावर 12। आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गई होगी। तो मजीद आगे हम चलते हैं, वहां पे हमने आगे जाके आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं वो पुट करनी है। ये -2 ये माइनस का है, ये प्लस का है, प्लस माइनस -6 आयोटा आ जाएगा, प्लस 3 ये -1 की पावर इवन नंबर है, जुफ्त है, 8 जो है 2 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाती है, तो 3 ने 1 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये -6 आयोटा है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, इसकी पावर जो है ये क्या आ जाएगी 9 जो है, प्लस 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लगानी है -1, पावर जो है इसकी 12 होगी, -2 -6 आयोटा। ये आपने स्टेप वाइज करते जाना है, ये नहीं करना कि एक ही जगह पर इसकी वैल्यू लगा इसको हल करके एक स्टेप में खत्म कर दें, आपने सारे स्टेप करने होते हैं क्योंकि मैथ में स्टेप के नंबर होते हैं, आप जितने स्टेप आपके ठीक होंगे आपको उतने नंबर मिलेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। ये प्लस 3 ये -6 आयोटा, तो -1 की पावर 9 है तो ये -7 आ जाएगा क्योंकि इवन आठ नंबर नहीं है, आठ नंबर है। अब ये प्लस 4 आयोटा माइनस की पावर जो है वो इवन नंबर है तो माइनस खत्म हो जाएगी, तो ये आ जाएगी -2 -6 आयोटा, ये प्लस 3 और प्लस 3 प्लस 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 आयोटा प्लस 4 आयोटा जी। अब देखने में चीज जो नजर आ रही है ये माइनस का 6 आयोटा है, ये प्लस का 6 आयोटा है, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया -2 प्लस 6 प्लस 4 आयोटा। अब इन दोनों को हमने हल कर लेना है, ये प्लस का है 6, 2 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 4 आयोटा, यहां तक आपका आंसर ठीक है। आप 4 यहां से कम ले लें तो 1 * 1 आयोटा आ जाएगा, तो वो भी आपका ठीक होगा। शुक्रिया क्वेश्चन नंबर 2 किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इन दोनों में से हम दो दो पार्ट हल करते हैं, बाकी जो 2 या 3 पार्ट रह जाते हैं आप उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये स्टेप जो है वो इजीली हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने a प्लस b आयोटा के फॉर्म में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने a प्लस b आयोटा के फॉर्म में लिखना है। अब फर्क यहाँ पे है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लिखा वहां पे 2 रकम को हमने ऐड करना था या सबट्रैक्ट करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, क्वेश्चन नंबर 4 में ओवर के फॉर्म में है, तो इनको कैसे हल करना है ये हम आगे फर्दर करते हैं। तो ये अब दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंतहाई आसान तरीका है, जैसे आप सॉल्यूशन में जाके सॉल्व -7 प्लस 3 आयोटा इनटू -3 प्लस 2 आयोटा ये आ जाएगा। अब पहले क्या करना है जी, -7 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई कर देगा दूसरी रकम सारे के साथ -3 प्लस 2 आयोटा। अब ये जो प्लस 3 है ये जो आयोटा है -3 प्लस 2 आयोटा सारी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेगा, जिस फॉर्म में अब हमने इसको लिखा है ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह की बन गई है। तो अब क्या करना है जी, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, माइनस माइनस प्लस 3 7 21 प्लस माइनस माइनस 7 2 14 आयोटा। अब ये 3 और ये -3 प्लस माइनस माइनस 3 3 9 आयोटा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, प्लस 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 ही होता है तो 3 2 6 आयोटा, जब मल्टीप्लाई करता है आयोटा से तो आयोटा स्क्वायर बन जाता है 21 माइनस, ये अब दोनों रकमें जो है आयोटा की हैं
जिसके नीचे मैंने ये लाइन लगाई है माइनस 14, 14 में और माइनस 9 दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो 14 और 9 आ जाएगा 23 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 21 माइनस 23 आयोटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 6 21 में से 6 आपने माइनस कर लेना है प्लस माइनस माइनस 21 में 6 किया पीछे आ जाएगा 15 माइनस 23 आयोटा ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ी सी चीज आपको मैंने समझा के आपको ये करवाया है थोड़ी सी चीज डिफरेंट है कि यहाँ पे अंदर जो है करना तो मल्टीप्लाई है लेकिन साथ जो है वो स्क्वायर रूट भी है तो मैंने समझा कि ये भी आपको करवा दिया जाएगी। हाँ जी बहुत आसान है आपने परेशान नहीं होना। जैसे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ये माइनस 1 है अगर ये आयोटा स्क्वायर का आप दोनों तरफ जो है वो अंडर रूट ले ना तो आयोटा की वैल्यू जो आ जाती है वो माइनस 1 का अंडर रूट आ जाता है। आप ऐसे भी कर सकते हैं दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं तो दोनों तरीकों से क्वेश्चन हल हो जाएगा जी। तो हम करते हैं आयोटा की 1 की वैल्यू लगा लेते हैं आसान हो जाएगा। 2 माइनस 4 का आयोटा जो है हमने ज्यादा कर देना है तो 4 माइनस 4 है 4 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस 1 के साथ ऐसे का। आगे 3 माइनस यहां पे भी हमने 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 ठीक है। अब यहां पे दोनों का अंडर रूट है 4 का है अंडर रूट भी है और माइनस 1 का भी है माइनस 1 का जो अंडर रूट है वो आयोटा के बराबर होता है 4 का जो अंडर रूट है वो 2 होता है तो ये 2 माइनस 2 आयोटा ये आ जाएगा ऐसे ही 3 माइनस 2 आयोटा ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देना है 2 इंटू 3 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 2 आयोटा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 3 जार 6 माइनस 2 2 जार 4 आयोटा। अब इसको करेंगे माइनस 2 3 जार 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा तो ये आपके पास बन जाएगी ये भी माइनस 4 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 10 आयोटा बन जाएगा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 4 होती है 6 माइनस 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस कर देंगे तो अब ये माइनस की रकम है ये प्लस की है प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गया पीछे रह गया 2 माइनस 10 आयोटा ये आपका आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने इनको ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिखना है लेकिन फर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये ओवर की फॉर्म में है ओवर की फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हल करना है जी ओवर की फॉर्म में आ जाए तो उनको कंजुगेट की मदद से हल कर लेना है। 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 माइनस आयोटा। अच्छा जी हम इसका कंजुगेट क्या करना है जो नीचे वाली जो रकम है इसको कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई साइन चेंज करके और डिवाइड कर देना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली रकम जो है वो ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेगी नीचे वाली रकम जो है इसने नीचे वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है ऊपर जो मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा जी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगे हैं क्योंकि चूंकि हम दो तीन क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर लिए हैं तो आपको पता चल गया तो 4 2 आर 8 प्लस 2 आयोटा अब 3 अंदर मल्टीप्लाई कर लेगा 3 4 जार 12 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर तो ओवर में हमारे पास फार्मूला बन गया है। फार्मूला कौन सा है ये हम क्लास 8 में भी कर चुके हैं कि अगर पहली पहली रकम जो है वो सेम आ जाए सेकंड सेकंड भी सेम आ जाए और दरमियान में प्लस माइनस का डिफरेंस हो तो हमने लिखना होता है फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास बन जाएगा 8 ये 2 आयोटा 12 आयोटा 14 14 आयोटा आ जाएंगे प्लस 3 आयोटा भी था तो हमारे पास 3 आयोटा स्क्वायर था 3 आयोटा स्क्वायर 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने माइनस 1 लगा दी तो ये 4 का 16 माइनस आयोटा स्क्वायर। ऊपर हमारे पास आ गया 8 प्लस 14 आयोटा माइनस 3 ओवर 16 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1
अब करना क्या है, 8 में से 3 जो है ये माइनस कर देना है, तो पीछे आ जाएगा 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि 5 प्लस 14 आयोटा ओवर 17। यहां तक भी ठीक है। अब अगर आप इनके ओवर को ज्यादा अलग-अलग फॉर्म में लिखें तब भी ठीक है, 5 ओवर 17 प्लस 14 ओवर 17 आयोटा, तो ये भी ठीक है। तो जो कि हमने ए और बी आयोटा के फॉर्म में लिखना था, ये आपकी ए वाली बन गई, ये बी आयोटा बन गया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इस एक्सरसाइज का, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर 5 है। इसको कैसे हल करना है, ये देखें हमारे पास स्क्वायर है, इंतहाई आसान। आप इसका अंदर कंजुगेट लेके भी कर सकते हैं और कंजुगेट के बगैर अगर स्क्वायर जो है वो स्क्वायर ओपन कर ले तब भी कर सकते हैं। 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा इनका है स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दें, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दें। ऊपर वाले का स्क्वायर वही a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे करना है हमने। तो 1 का स्क्वायर, चलिए नीचे करते हैं आपको नजर ठीक आ सके। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, ऐसे ही हमने नीचे वाले का करना है। फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, प्लस वाले में प्लस आ जाता है, माइनस वाले में माइनस आ जाता है। तो करना क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, आयोटा स्क्वायर का आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, और 1 का स्क्वायर 1 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। हमारे पास जो चीज आ गई 1 आयोटा स्क्वायर की माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे भी सेम ही है माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, ऊपर हमारे पास बच गया 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, नीचे बच गया 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल जी। आपके पास आ गया है ऊपर आ गया 0 प्लस 2 आयोटा ओवर 0 माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा, 0 ना भी लिखे कुछ मसला नहीं है। अब 2 आयोटा 2 आयोटा से तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 आ गया। आपके पास आंसर में माइनस 1 आया है, आयोटे की कोई रकम नहीं आई, तो आपने माइनस 1 प्लस 0 आयोटा आयोटा नहीं है तो आपने 0 आयोटा कर देना। आपकी बुक पे इसका जो आंसर है वो गलत लिखा हुआ है, तो आपने माइनस 1 प्लस 0 आयोटा इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आयोटा नहीं बचता हमारे पास, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसमें से हम दो दो पार्ट हल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इन क्वेश्चन को कैसे करना है। बाकी जो दो दो पार्ट रह जाते हैं वो उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है ताकि आपको मजीद जो है ये अच्छी तरह क्लियर हो जाए ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, हमारे पास वैल्यूज z की वैल्यू जेड की वैल्यू जो है वो गिवन होंगी। तो हमने करना क्या है, z का बार z प्लस z का बार है, z माइनस z का बार है, z मल्टीप्लाई z का बार है। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारे पास z गिवन है, z का r का मतलब है कि हमने इसका बार फाइंड करना है। नंबर 1 में a में हमने z का बार चाहिए यानी कंजुगेट चाहिए इसका, तो z का बार आ जाएगा आयोटे वाली रकम जो है उसके साइन चेंज कर देंगे तो ये आयोटा आयोटा आ जाएगा, ये इसका आंसर भी यही है। अब b पार्ट में आपने क्या करना है, z प्लस z का बार फाइंड करना है। तो z प्लस z का बार कैसे आएगा, z की भी रकम हमारे पास गिवन है, z के बार की भी, z प्लस z का बार, z की वैल्यू है हमारे पास माइनस आयोटा और बार की वैल्यू है प्लस आयोटा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो जीरो आंसर आएगा। c पार्ट में हमने करना है z माइनस z का बार, z माइनस z का बार दोनों वैल्यू हमारे पास है, z की वैल्यू जो z है उसकी वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा है और ये माइनस और आयोटा जी बार की वैल्यू जो है ये प्लस आयोटा है, तो माइनस आयोटा इसका मतलब माइनस 2 आयोटा आपका आ जाएगा, माइनस एक आयोटा तो माइनस 2 आयोटे बन जाएंगे जी। डी पार्ट में हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, जी मल्टीप्लाई बाय जी बार, जी की वैल्यू है माइनस आयोटा और जी बार की है प्लस आयोटा, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे
ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस अयोटा स्केयर, अयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन, माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस वन इसका आंसर है। आगे जो क्वेश्चन नंबर टू है उसमें भी ऐसे करना है, जी हमारे पास है तो जी बार आ जाएगा टू माइनस अयोटा, जी प्लस जी बार जब करना है, जी की रकम है हमारे पास टू प्लस अयोटा, अब जी बार की है माइनस, ये सॉरी प्लस है तो जी बार की है टू माइनस अयोटा, टू प्लस अयोटा प्लस टू माइनस अयोटा, प्लस अयोटा माइनस अयोटा कट जाते हैं, टू और टू फोर हो जाता है। ये ए हमने हल किया, ये बी हल किया, सी में हमने करना है जी माइनस जी बार, जी माइनस जी बार, जी की वैल्यू जो है वो है टू प्लस अयोटा, माइनस जी बार की वैल्यू है टू माइनस अयोटा, टू प्लस अयोटा माइनस, अंदर वाले साइन जो है चेंज हो जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब आपके पास टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, एक अयोटा ये और एक अयोटा ये, इसका मतलब है दो अयोटे आ जाएंगे। अब आपने डी बार, डी में जाना है तो जी मल्टीप्लाई बाय जी बार, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, इतना मुश्किल काम नहीं है, ये इंतहाई आसान है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें इंपॉर्टेंट है। जी का बार, जी की वैल्यू है टू प्लस अयोटा, जी बार की है टू माइनस अयोटा, अब फर्स्ट फर्स्ट सेम है, सेकंड सेकंड सेम है, फर्स्ट का स्क्वायर लिखे माइनस सेकंड का स्क्वायर लिख दी, टू का स्क्वायर फोर माइनस अयोटा स्क्वायर, फोर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो फाइव आंसर आ जाएगा इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे पास जी एंड ओमेगा की वैल्यू गिवन है, हमने करना क्या है कि लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आनी चाहिए, पार्ट नंबर वन में है, पार्ट नंबर वन में हमारे पास जी प्लस डब्ल्यू है, ओमेगा है, इज इक्वल टू होना चाहिए, लेफ्ट साइड हम हल कर लेते हैं इसकी, लेफ्ट साइड में है जी प्लस ओमेगा का बार, जी की रकम है हमारे पास टू प्लस थ्री अयोटा, अब दूसरी रकम है फाइव माइनस फोर अयोटा, इन दोनों को हल करके बाद में इनका जो है हमारे पास जो है वो हम ले लेते हैं बार, तो हमारे पास उसका बार आ जाएगा टू प्लस थ्री अयोटा प्लस फाइव माइनस फोर अयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा टू एंड फाइव सेवन प्लस माइनस माइनस अयोटा। जब इसका आपने बार लेना है जी प्लस डब्ल्यू, ये तो आ गया जी प्लस डब्ल्यू, जब हमें चाहिए z प्लस w का बार, बार लेंगे तो 7 प्लस अयोटा हो जाएगा। इसकी जो राइट साइड है, राइट साइड भी हमने ऐसे ही हल करनी है, वहां पे हमने बार पहले ले लेने हैं, बाद में इनको हल करना है। z हमारे पास गिवन है, z है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा, तो z का बार आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। ऐसे ही ओमेगा हमारे पास है 5 माइनस 4 अयोटा, तो ओमेगा का बार आ जाएगा 5 प्लस 4 अयोटा। अब दोनों को सिंपली हमने प्लस कर देना है, z का बार प्लस ओमेगा का बार, z का बार आया है 2 माइनस 3 अयोटा प्लस ओमेगा का बार है 5 प्लस 4 अयोटा, 5 और 2 7 प्लस माइनस माइनस प्लस अयोटा। अब ये आंसर और ये आंसर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का आंसर सेम है, तो आप एंड में लिख सकते हैं z प्लस w का बार जो है ये इक्वल है z का बार प्लस w का बार, ओमेगा का बार सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने हल करना है वो भी इसी तरह है, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, z की वैल्यू जो है हमने जो चीज फाइंड करनी है वो ये है कि 1 ओवर 2 इनटू z प्लस z का बार, इनको जब हल किया जाए तो ये रियल पार्ट आ जाता है, हकीकी अदाद आ जाता है, हकीकी हिस्सा आता है इसका, तो z की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 2 प्लस 3 अयोटा, z बार की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, तो यानी कि हमने अयोटा वाली रकम की वैल्यू प्लस साइन चेंज कर दी। अब हम इसको हल कर लेते हैं कि 1 ओवर 2 इंटू जी प्लस जी बार, ये क्या आता है 1 ओवर 2, जी की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 अयोटा प्लस जी बार की है 2 माइनस 3 अयोटा,
तो ये प्लस थ्री और कैंसिल हो जाते हैं, वन और टू इंटू टू प्लस टू फोर। तो ये जो आपका टू वन टू आया है ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं है, अयोटा आता तो इमेजिनरी हिस्सा होना था, अयोटा नहीं है तो ये रियल पार्ट है, हकीकी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन का तीन पार्ट है, तीन पार्ट में से हम पार्ट नंबर टू करेंगे। पहला और तीसरा पार्ट आप लोगों ने खुद हल करना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको हल कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है थ्री माइनस टू अयोटा इंटू एक्स प्लस वाई अयोटा इज इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनस टू अयोटा प्लस टू अयोटा माइनस वन। हमने करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। थ्री को मल्टीप्लाई किया अंदर पूरी रकम के साथ, थ्री ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया थ्री एक्स, थ्री ने वाई के साथ मल्टीप्लाई किया थ्री वाई अयोटा। ये आ गया हमारे पास अब टू अयोटा जो है उसने दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये टू अयोटा ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया टू एक्स अयोटा, अब टू वाई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस टू वाई अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। साइन इक्वल की जो दूसरी साइड पे टू ने अंदर मल्टीप्लाई किया टू एक्स माइनस टू वाई टू टू फोर वाई अयोटा, ये प्लस टू वाई अयोटा माइनस वन जैसे है वैसे ही आ गया। अगले स्टेप में हम चलते हैं, तो अगले स्टेप में हमने क्या किया, थ्री एक्स प्लस इन दोनों के साथ अयोटा के साथ था तो हमने अयोटा कॉमन लिया, आगे माइनस टू वाई अयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो माइनस वन है वो हमने लगा दी। इक्वल की दूसरी तरफ के टू एक्स माइन, अब ये दो रकमें जो है अयोटा वाली थी, दूसरी दो रकमें अयोटा के बगैर थी, उनको हमने इकट्ठा कर दिया। जो अयोटा वाली रकमें थी उनकी हमने थोड़ी सी तरतीब ठीक करके प्लस वाली रकम पहले माइनस वाली बाद में लिख दी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम गए, अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो ये प्लस जो टू वाई है ये हम थ्री एक्स के साथ ले आए हैं क्योंकि इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है। अब ये जो अयोटे वाली रकम थी ये आगे हमने लिख ली है टू एक्स माइनस वन, अब प्लस, अब इन दोनों के साथ भी अयोटा है तो हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो हमारे पास अब जो सिचुएशन बनी, तो कुछ सवाल का हिस्सा ऐसा है जिसमें अयोटा नहीं है, कुछ हिस्सा ऐसा है जिसके साथ अयोटा है, तो अयोटे के बगैर वाली रकमे हैं उनको हमने बगैर वाले की इक्वल कर दी है, जो अयोटे वाली रकमे हैं उनको हमने अयोटे वाले की इक्वल कर दी है। तो जब इक्वल किया तो अयोटा अयोटा से कैंसिल होके ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू बन गई। इक्वेशन नंबर टू बन गई, हमने इक्वेशन नंबर वन को मजीद थोड़ा सा सॉल्व किया, एक्स वाले एक साइड पे ले आए, ये एक्स जो है इक्वल दूसरी साइड पे था, इस साइड पे है थ्री एक्स, ये यहाँ पे प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो ये थ्री एक्स में से टू एक्स जो है वो माइनस होके एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर वन थी, ये इक्वेशन नंबर टू थी, जो नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास बनी इसका नाम मैंने रख लिया इक्वेशन नंबर थ्री। अब यहाँ पे इक्वेशन आपके जो है वो बन गई है, इस साइड पे हमने इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई किया, मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद क्या पता चला, हमने ये जो वाई वाले हैं वो एक साइड पे किए, तो ये थ्री वाई ये फोर वाई दूसरी साइड पे माइनस का था, इस साइड पे आके वो प्लस का हो गया, तो ये माइनस टू एक्स था, सेवन वाई माइनस टू एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा। तो ये हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, तो x वाली रकम हमने पहले लिख ली, y वाली बाद में लिख ली, तो ये माइनस टू एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू टू, इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर फोर रखा। जब हमने इक्वेशन नंबर फोर इक्वेशन नंबर थ्री को देखा तो ये जो दोनों इक्वेशन है ये ऐसे साल्व नहीं हो सकती जब तक किसी एक के जो अद्धे सिरे हैं कोएफिशिएंट से बराबर ना हो, तो हमें अद्धे सिरे बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर थ्री को बाय टू से, क्यों, चूंकि टू से क्यों किया, यहाँ पे एक्स का जो कोएफिशिएंट था वो टू था, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो वन है, तो वन हमने टू लेके आने के लिए वन को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, हमने इक्वेशन नंबर थ्री को टू से मल्टीप्लाई, जब टू से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन टू एक्स प्लस टू टू जार फोर प्लस माइनस माइनस टू 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 वन जार टू, ये जो इक्वेशन बनी इसका नाम हमने फाइव रख दिया। अब हमारे पास दो इक्वेशन ऐसी बन गई जिनके कोएफिशिएंट बराबर है, एक इक्वेशन नंबर फोर है और एक इक्वेशन नंबर फाइव है। अब एक्स के कोएफिशिएंट जो है ये बराबर है, अब हमने करना क्या है, ये माइनस का टू एक्स है, ये प्लस का टू एक्स है, दोनों को हमने अगर साइन के अपोजिट हूं
तो इनको ऐड करते हैं, सेम हो तो सबट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि इनके साइन जो है अपोजिट थे, हमने इनको ऐड कर दिया। जैसे ही हमने इनको ऐड किया तो ये माइनस टू एक्स प्लस सेवन थ्री, हमारे पास फोर एंड फाइव इक्वेशन है, फोर एंड फाइव को ऐड किया तो हमारे पास माइनस टू एक्स प्लस सेवन वाई इज इक्वल टू टू है, टू एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू माइनस टू है। अब ये साइन चेंज है, ऊपर माइनस टू एक्स है, नीचे प्लस टू एक्स है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल की दूसरी साइड में भी प्लस और माइनस टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू जीरो, सेवन वाई प्लस फोर वाई ये तो हो गया इलेवन वाई इज इक्वल टू जीरो, इलेवन दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वाई का आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा जीरो। जब ए का आंसर आ गया, दूसरे का हमने आंसर फाइंड करना है, तो करना क्या है, ये आंसर जो है आपने आपके पास पांच इक्वेशन आई हुई किसी एक में पुट कर दे तो आपके पास दूसरा आंसर आ जाएगा। सबसे इजी मुझे इक्वेशन नंबर थ्री लगी, मैंने इक्वेशन नंबर थ्री में ये वैल्यू पुट कर दी, आपको जो इजी लगे आप वहां पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर थ्री, इक्वेशन नंबर एक्स, एक्स टू वाई की जगह पे वैल्यू लगा दी जीरो इज इक्वल टू माइनस वन, टू ने जीरो से मल्टीप्लाई किया, टू जीरो जीरो हो गया, एक्स जीरो कुछ भी नहीं होता, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, ये आंसर आ गया। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, इसके तीन पार्ट है, पार्ट नंबर टू आपको करवा दिया है, पार्ट नंबर वन, पार्ट नंबर थ्री की प्रैक्टिस आपने कर ली है। ओके, अल्लाह।